रुबना की रसोई चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हम इसे एयर फ्रायर में बनाने जा रहे हैं। अब आपको मार्केट में फ्रेंच फ्राइज खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर में ही झटपट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को आप फ्रेंच फ्राइज के शेप में कट कर लीजिए और 2-3 पानी से धो लीजिए। यहाँ पर मैंने आलुओं को फ्रेंच फ्राइज के शेप में कट करके 2-3 पानी से धो लिया है। अब एक बर्तन में पानी भर के इन सभी पीसेस को डाल दूँगी। कम से कम आप 10-15 मिनट के लिए इसमें छोड़ दें ताकि आपके आलू काले नहीं होंगे। मुझे यहाँ पर आलुओं के पीसेस को उबालना है। कम से कम 50 से 60% आप उबाल लीजिए। इसके लिए मैंने एक पतीला चढ़ाया है और उसमें पानी को उबाल लिया है। अब इसमें 2 टीस्पून नमक डाल दूँगी और आलूओं के पीसेस को डाल देती हूँ। यहाँ पर आलूओं को मैं चेक कर लेती हूँ। आलू हमारे 50 से 60% तक गल चुके हैं। अब सभी आलूओं को मैं छन्नी में रख दूँगी ताकि उसका पानी निकल जाए और आलू हमारे थोड़े से ड्राई हो जाए। हमारे आलूओं में से सारा पानी निकल चुका है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है। अगर अमाउंट की बात करें तो 1 टीस्पून ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है और 1/3 टीस्पून नमक है। नमक हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैं अपने आलूओं के सभी पीसेस को एयर फ्रायर में डाल देती हूँ। एयर फ्रायर में 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए सभी आलूओं के पीसेस को मैं फ्राई करूँगी। एयर फ्रायर में फ्रेंच फ्राइज बनाना बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही मिनिमम अमाउंट में ऑयल का इस्तेमाल किया है। जब हम बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं घर में तो डीप फ्राई करते हैं क्योंकि हेल्दी उतना नहीं होता, इसलिए मुझे एयर फ्रायर बहुत अच्छा लगा। 10 मिनट हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं, हमारे फ्रेंच फ्राइज बन गए हैं। अब मैं इसे ओपन कर देती हूँ। अब देख सकते हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लुबना की रसोई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।